मौसम है मार्च के शुरुआत का, ऋषिकेश है लक्ष्मण झूला की साइड। महाशिवरात्रि के इस पावन अवसर पर हो रही है ये शानदार बारिश, और ऐसी बारिश जो हमें कहीं निकलने ही नहीं दे रही। तो क्या विचार है आपका? आपको ऐसी बारिश बेमौसम अच्छी लगती है? हैं, कैसा फील करते हैं आप? अच्छा लग रहा है कि चिड़चिड़ापन लग रहा है? अच्छा लग रहा है। तो मुद्दा क्या है कि मैं आया हूँ ऋषिकेश महाशिवरात्रि के इस पावन अवसर पर, और ये एक हमारा छोटा सा ब्लॉग है, और इस छोटे से ब्लॉग में हम ये दिखाना चाह रहे हैं कि हम कंस्ट्रक्शन के बीच में भी कुदरत को किस तरीके से प्यार करते हैं, क्योंकि हमने इस खिड़की से भी प्यार करना है, क्योंकि देखना है, कहने का मेरा मतलब है। तो बताइए, ये हैं अर्पित जी, इनको ध्यान से देखिए, पहचान लीजिए, क्योंकि इनको कुछ ज़्यादा आता नहीं है। और अब हम इनको लेके आ रहे हैं इस तरफ। यहाँ आम के पेड़ देखिए आप, कितने सुंदर लग रहे हैं, ये देखिए, है ना। शहर की भीड़ भाड़ से दूर, गलियों की चकाचौंध से दूर, आओ कभी दर्शन करो इन वादियों के, इस जहान में इस बूंदों के। इन देखो, मतलब दूर दूर तक, वो देखो, देख रहे हो आप, कटहल का पेड़ भी है, देख रहे हो आप, कहाँ है? उधर की साइड है, उधर से दिखेगा वाली बालकनी, उस वाली बालकनी से दिखेगा। अभी हम उस वाली बालकनी से भी आपको दिखाते हैं। तो ये एक्चुअली ये वाली, ये किसी और की जगह है, बट हम आपको दिखा देते हैं, क्योंकि जगह से क्या करना, हमें तो बारिश दिखानी है। ये देखिए गिर रहा है। तो मुद्दा क्या है, आइए हम दूसरी बालकनी से आपको दिखाते हैं। चलिए, कौन सी बालकनी दिखा रहे हैं आप? हवा यहाँ देख सकते हैं आप, ऊँचे, इनको पहाड़ बहुत पसंद है, इन इन इस इन भाई साहब को, तो इन्होंने ना यहाँ भी पहाड़ी गा रखी है। आपको अगर पहाड़ पसंद है तो आपने कमरे के अंदर भी पहाड़ क्यों बनाए हुए? सामान के लिए पहाड़ बनाता है कोई? देख रहे हो आप, पीछे गंगा जी, चल रही है ठंडी, कल तक था गर्म, मामला था काफ़ी गर्म। और यहाँ से पीछे के साइड थोड़ा पास है, देख के गिर ना जाए, बस बस बस, ये जो पीछे के साइड है वो गंगा जी जा रही है। अभी हम आपको जाके दिखाएंगे जब बारिश थम जाएगी, और पावन गंगा हिमालयों से आती हुई, गंगोत्री की तरफ से आती हुई, शानदार वादियों के बीच से, लेकिन जो बारिश है वो हमें हिलने का मौका दे नहीं रही। बने रहिए हमारे चैनल पे, आपको एक एक गली का दर्शन कराने जा रहा हूँ। तो इसी तरीके से मज़ा आने वाला है, क्योंकि जगह देखो आप, मतलब भाई साहब इधर आओ, ये देखो, ओए होए 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 होए, कैसा लग रहा है आपको? मेरे को बहुत अच्छा फील हो रहा है जब तो बारिश होती है। अभी एक्चुअली क्या है, इनका ये विचार है कि अगर एक मिनट कि अगर बारिश का मौसम है तो ऐसी जगह पे पकोड़े खाएं। मैंने कहा कुछ अच्छा खाओ, तला भुना तो शहरों में खाया ही जाता है, हम कुछ हेल्दी खाएं, हम पकोड़े को पानी में तल के खाएं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, पकोड़े तो तेल में ही तले जाएंगे। बात तो सही है कि बात तो मौसम तो पकोड़े का ही हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हाँ, हो रहा है। बस आप हाँ या नहीं बोलें, कुछ बोलना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? बोलिए। कुछ ही बोलना चाहता है। कुछ तो बोलिए, बोलिए, दो लाइनें बोल दीजिए कुदरत पे। जैसे बारिश होती है मेरे को बहुत अच्छा लगता है, जैसे मैं बाहर आता हूँ मेरे को देखने बहुत अच्छा लगता है व्यू, और गंगा जी का बहुत बढ़िया है ना। यहाँ यहाँ पे कुर्सी लगाई अपना है, ये इस एरिया में देखो, पीछे हट जाओ जरा, इनको दिखाएं हम, ये ऐसी कुर्सी लगाई है, वो ले आए हम कुरकुरे शुरकुरे, भाई साहब चाय वाय ले आई, यहाँ थोड़े पेड़ पौधे टंगा लिए है। वो देखो बादल, देखो आप, वो देखो क्या शानदार, देख रहे हो वहाँ से धूप निकलने वाली है, ऐसा लग रहा है कि जैसे धुआं सा, लेकिन ये बादल देखो आप, पेड़ों को छूते हुए गगनचुंबी इमारतें, आई एम रियली सॉरी दैट इज़ नॉट इमारत, गगनचुंबी पर्वत, आसमान को छूती हुई गगनचुंबी पर्वत, दिशा बदलती हुई हवा, और कहने को ये मौसम लाजवाब, बेमिसाल, गजब, लाजवाब, बेमिसाल, गजब, बोल दो गजब, गजब, गजब।